यूपी के मदरसों की हकीकत क्या है? आज तक ने लखनऊ से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक के कई मदरसों का रुख किया है, आप भी देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ओनर से बात करी मदरसों के तो उन्होंने कहा कि हमको बोलने के लिए मना किया गया है। बच्चों से बातचीत करने का बात करी तो बच्चों से भी बातचीत नहीं करने दी गई। यूपी में गैर सरकारी मदरसों का सर्वे जारी है तो कई सवाल और संशय भी हैं। पहले मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली में बैठकर सर्वे को गैर जरूरी करार दिया। आज देवबंद में दारुल उलूम मदरसों के प्रतिनिधियों के साथ मंथन कर रहा है। सवाल है कि आखिर सर्वे पर सवाल क्यों है, मुस्लिम संगठनों में संशय क्यों है? आज तक इसका जवाब तलाशने वाराणसी के ऐसे ही एक मदरसे में पहुंचा। सरकार की तरफ से लगातार अवैध मदरसों को लेकर बात चल रही है कि कैसे उन पर रोक लगाई जाए, पर जो मुख्य धारा में मदरसे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास चल रहे हैं। ऐसे ही मदरसे हम यहाँ पर आए हैं, आपको वाराणसी में दिखाएंगे। ये लोता इलाका है और ये मदरसा फैजुल उलूम है। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या इंतजाम हैं बच्चों के लिए और क्या बच्चों की तालीम या पढ़ाई यहाँ पर ठीक चलती है या नहीं। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। ये वो मदरसा है, आप हमारे साथ कैमरामैन संदीप आ रहे हैं और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं इस मदरसे के अंदर और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम टीचर्स हैं। यहाँ पर ये देखते हैं, ये जरा देखिए, यहाँ पर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये इन्होंने यहाँ पर चीज़ें लिखी जो मेन पॉइंटर्स होते हैं वो लिखे हुए हैं। आप इधर आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक टाइम टेबल लगा है जिसमें उर्दू में लिखा है थियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, यानी कि जो भी जो क्लासेस होती हैं वो यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से व्याख्या दी गई है बच्चों के लिए, आसानी रहेगी वो टाइम टेबल देख के अपने हिसाब से आ पाएँ। और ये जो मुझे प्रतीत होती है एक लाइब्रेरी लगती है, जहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए किताबें रखी हैं कि वो यहाँ पर आकर पढ़ाई देख सकते हैं। इसके अलावा दाखिला, यानी कि जब आपका किसी मदरसे में दाखिला होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसकी भी यहाँ पे आप देखेंगे। दाखिले के लिए निम्न दस्तावेज़, बच्चों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, एक फ़ोटो, मोबाइल नंबर, लड़के या अभिभावक का बैंक पास, पासबुक का फोटोकॉपी, यदि किसी दूसरे मदरसे या स्कूल में पढ़े हैं तो उसका टीसी, तो ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन के लिए चाहिए होती हैं जो यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है कि अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हैं। और अब आपको मैं ले चलूंगा क्लासेस की तरफ। जो अगर आप इधर देखें, यहाँ पर एक टीचर हैं जो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हैं। क्लास का नाम लिखा है, बाहर भाग संख्या लिखी है और तमाम बच्चे छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर वो यहाँ इस मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मदरसों पर आरोप लगता है कि यहाँ सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है लेकिन यहाँ बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही है। सर क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आज, शेप्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जी हाँ, बच्चों को जो है शेप्स के बारे में बता रहे हैं, आयत, वर्ग, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। बच्चे भी ध्यान से पढ़ते हैं। कौन कौन से पीरियड्स लगते हैं, क्लासेस कौन कौन से लगते हैं सब्जेक्ट्स के इस क्लास में? सब्जेक्ट्स ओवरऑल कितने लगते होंगे? इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है और उर्दू है और डिक्टेशन वगैरह है। बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में? सबसे ज्यादा सभी बच्चे पढ़ते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश भी पढ़ते हैं बड़े शौक से और मैथ तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं अच्छे से। हाँ हाँ, मैथ पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई हो रही है आज? इंग्लिश। पढ़ाई क्या लिखा है आपने? इंग्लिश। ये सर्किल है, सर्किल क्या होता है? इंग्लिश। ये स्क्वायर क्या होता है? क्या लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? रेक्टेंगल। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नेशनल एंथम आता है? नेशनल एंथम आता है आपको? नहीं आता है? थोड़ा सा भी नहीं आता? जनगण मन आता है? जनगण मन आता है? सुनाइए। नहीं आता। नहीं आता आपको जनगण मन आता है? नहीं आता है। यहाँ सिखाया नहीं क्या? यहाँ सिखाया नहीं क्या? लेकिन अभी एकदम थोड़ा याद है, थोड़ा सा याद है। चलिए सीख लीजिएगा। मदरसों के सर्वे से नेपाल बॉर्डर पर बने सैकड़ों मदरसों में हलचल तेज है। यूपी के बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर में बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। क्या है इनकी स्थिति और क्या यहां कट्टरपंथी शिक्षा दी जा रही है?